Hello friends, hi my dear students, once again a very 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 warm welcome to your own Pupils Academy. In continuation with the last video lecture of 11th standard bookkeeping and accountancy, I am going on with this video. Ye video mein kya rahega? This is lecture on basic accounting concepts, conventions and principles and accounting standards of 11th standard bookkeeping and accountancy subject chapter 1 as per the new syllabus, and I am Dr. Kalpesh Parmar, and you can see my qualifications on the screen. Now what is this lecture all about? Last video lecture mein maine aap logo ko basic accounting terms and terminologies aapko bataya tha. Ab hum log dekh rahe concepts, conventions and principles, they are merged into one only. Aap aisa exactly nahi bol sakte, yahi concepts hai, yahi conventions hai, yahi principles hai. Okay, तो वो कॉन्सेप्ट्स में आ गया सब, और फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो फिलहाल दिस इज लेक्चर ऑन बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले देखते हैं. जैसे अकाउंटिंग टर्म्स यानी वो वर्ड्स हम लोग बार बार अकाउंटिंग में, मतलब ये सब्जेक्ट में हम लोग सीखने वाले, यूज करने वाले, माई मिस्टेक, यूज करने वाले. तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते वक्त कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो हम लोग को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स में आएगा. जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी वर्ड का मतलब है अस्तित्व. बिजनेस का क्या अस्तित्व है? अब इस बारे में इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट द कंसेप्ट सेज दैट, मतलब ये कंसेप्ट क्या बोलता है वो देखते हैं. लेकिन बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस की क्या एंटिटी है, किसके कंटेक्स्ट में? बिजनेस मैन के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में. सो ये कंसेप्ट ये बोलता है, दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट, नॉट अज्यूम्स, दिस कंसेप्ट सेज दैट, अजम्पशन दूसरे कंसेप्ट में है. ये कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू सेपरेट एंटिटीज. बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है. नो डाउट ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस द ओनर ऑफ द बिजनेस डज ऑल द एक्टिविटीज, डज ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस. ओनर है ना, वही बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन करता है. लेकिन बिजनेस और बिजनेस मैन, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग एंटिटीज है, दो अलग अलग अस्तित्व है. जैसे कि यहां पर मस्त एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, Pupils Academy, Nara Super East, ये Pupils Academy, ये जो एंटिटी है वो अलग है. Pupils Academy का अलग एग्जिस्टेंस है, और मैं डॉक्टर कल्पेश परमार, मेरे से दिख रहा है, हाँ ये मैं ही हूं, उसका अलग एंटिटी है. लेकिन हमको करना क्या है यहाँ पर, क्यों ये कंसेप्ट आया, क्यों ये कंसेप्ट ये कहता है कि ये तो अलग अलग सेपरेट तो है ही, लेकिन अकाउंटिंग इज टू बी डन फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर द बिजनेसमैन. मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे घर पे क्या आ रहा है, मेरे घर से क्या जा रहा है, उससे अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है. Pupils Academy में बैग्स आया, उसको पेमेंट किया. स्टूडेंट्स आए, उनके पास से फीस लिया, उनको बैग्स, नोट्स एंड ऑल स्टेशनरी दिया, उनको लेक्चर इम्पार्ट किया, दूसरे टीचर्स ने लेक्चर दिया, उनको हमने पेमेंट किया. ये सारी बातें Pupils Academy जो करता है वो रिकॉर्ड करना है. डॉक्टर कल्पेश परमार इंडिविजुअली घर पे क्या करता है, कौन से ट्रांजेक्शन करता है, उससे अकाउंटिंग को कोई लेना देना, मतलब अकाउंटिंग बिजनेसमैन का नहीं होता है, बिजनेस का होता है. ऐसा कौन कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. वेरी सिंपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, एंड वी आर सपोज टू लुक आफ्टर बिजनेस एक्टिविटीज, नॉट द बिजनेसमैन्स एक्टिविटीज. या सेकंड वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम बताया था. वापस एक बार डेफिनेशन देख लेते बुक कीपिंग का. बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोस बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. क्यों ऐसा लिखा है लास्ट में मनी और मनी इज वर्थ? वही बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी हो जाए तुरंत, यानी पेड ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन हो, या मनी इज वर्थ यानी किसी ने प्रॉमिस किया हो कि मैं पे करूंगा. क्या पे करूंगा? जैसे मैंने वो लास्ट वीडियो लेक्चर में अगर आप देखोगे, मैंने 500 रुपीज का शर्ट लिया, अभी के अभी पैसा दे दिया, पेड ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, मनी वैल्यू आया 500 रुपीज.
लेकिन अगर मैं बोला 15 डेज के बाद तेरे को 500 रुपीज देता हूँ, यार रुकना थोड़ा, लेकिन 500 वैल्यू तो आया ना। मतलब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हैव मनी वैल्यू, जिसका पैसे में तोल सकते हैं वही ट्रांजेक्शन हम लेंगे, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये इवेंट आपका, मतलब ये बाइंग सेलिंग लोन लिया कुछ किया कोई भी कुछ चीज किया जो मनी वैल्यू में तोला जा सकता है वही चीज अकाउंटिंग में बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा, ऐसा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू कंसेप्ट। थर्ड वन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। अभी कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट सेज दैट एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट। कोई भी प्रॉपर्टी, मशीन खरीदा तो मशीन को कितने में खरीदा वो इंपॉर्टेंट है। अब हमने खरीदा 1,00,000 में और आज 2 साल हो गया, आज वही मशीन 2.5 लाख का मिलता है, हमको क्या करना है? हमने कितने में लिया था? 1,00,000 में। तो हम 1,00,000 2 साल पहले लिखा था, फिर हर साल थोड़ा 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 यूज होते होते आ रहा है, अभी उसका वैल्यू समझो 60,000 हो गया है एग्जाम्पल के तौर पर। चलो वही चीज हम लोग लिख कर दिखाएंगे तो अच्छे से समझेगा, राइट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है परचेस प्राइस। तो इन द ईयर ऑफ परचेस आप क्या लोगे? उसका परचेस प्राइस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप क्या करोगे? उसका बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। क्या है ये बुक वैल्यू? बुक वैल्यू इज परचेस प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब फर्स्ट ईयर में क्या लोगे आप? परचेस प्राइस लोगे। सेकेंड ईयर से आप क्या लेने लगोगे? उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये समझो ये कटिंग मशीन है एक, ये मशीन हमने लिया था मस्त चकाचक, नया नया मशीन खरीदा, कितने का खरीदा? ये देखो 2,802 यूरोस, ये है उसका कॉस्ट ऑफ द मशीन। कौन से मशीन का? ये वाले मशीन का। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये मशीन कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 2,802 यूरोस से उसको रिकॉर्ड करेंगे। भले वो मशीन आज मार्केट में 3,000 यूरोस का मिलता रहेगा, 3,500 यूरोस का मिलने दो, वी डजंट केयर, वी विल रिकॉर्ड इट एट 2,802 यूरोस। अब वही मशीन 5 इयर्स के बाद समझो ऐसी हालत हो गई, भाई यूज किए वेयर एंड टेयर होगा उसका, तो 5 साल के बाद क्या होगा उसका वैल्यू? सीधी सी बात है, 2,800 यूरोस से कम ही होगा। कैसे कम? तो समझो परचेस प्राइस है हमारा 2,800, जिस साल में खरीदा उस साल में हम ओरिजिनल कॉस्ट यानी 2,800 में रिकॉर्ड कर देंगे, लिख दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। समझो कि ये मशीन हम लोग हर साल 200 यूरोस की बात की तो 200 यूरोस का हम लोग यूज कर लेते अप्रोक्सीमेटली, तो सेकेंड ईयर में उसका वैल्यू हो जाएगा, मार्केट वैल्यू भले 3,000 हो लेकिन उसका वैल्यू 2,600 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2,800 में खरीदा था, 200 उसका यूज हो गया, तो 2,600 हम लोग वैल्यू सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में लेंगे। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 2,600 सेकेंड ईयर में था तो थर्ड ईयर में हो जाएगा 2,600 और 200 का यूज हो गया 2,400। मतलब मार्केट वैल्यू आज उसका भले 3,000 यूरोज होने दो, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने में लिया था वहां से डेप्रिसिएशन 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 करते जाएंगे। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंसेप्ट। कितने का है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने कितने में लिया था वहां से रिकॉर्ड करने का स्टार्ट करो, फिर हर साल उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स्ड असेट्स। होप यू अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट्स। फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी क्या? सालों साल तक वही चीज फॉलो करो, आप रिपीट करो। सो दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट इट इज द पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि तुम जो भी पॉलिसीज अकाउंटिंग में यूज करते हो वो कंसिस्टेंटली यूज करो। एक साल ऐसा पॉलिसी यूज किया, अगले साल पॉलिसी चेंज मत कर दो, क्योंकि उससे प्रॉफिट मेजरमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट इट बिकम्स डिफिकल्ट। बराबर है, इट शुड नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे 2 साल के अकाउंट्स को।
पिछले साल कुछ अलग पॉलिसी यूज किया था, ये साल कुछ अलग पॉलिसी यूज कर रहे हैं. कंपेरिजन कैन नॉट बी डन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पहले दो साल में फीफो मेथड यूज करते हैं ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, और तीसरे साल में अचानक से हम लिफो मेथड. सर ये क्या है भाई फीफो लिफो? फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. Change in accounting policies should be adopted only if the circumstances require. ऐसे कुछ circumstances खड़े हो गए जहां पर आपको method change करने की जरूरत पड़े तो करो, वरना बार बार change मत करो accounting policies को, जिससे दिक्कत आती है, problem होता है. तो ये LIFO FIFO में जो मैंने आपको बताया first in first out and last in first out, ऐसे दो methods. अभी LIFO method तो existence में नहीं है, there are only two methods now. FIFO and weighted average. But आपको समझाने के लिए weighted average जाएगा तो बहुत लंबा concept हो जाएगा, इसलिए आपको FIFO और LIFO से आपको समझा देता हूँ. फिलहाल पहले साल में आपने first in first out use किया, दूसरे साल में आपने first in first out use किया, अचानक से तीसरे साल में आप last in first out use करने लगे तो problem हो जाएगा. Third year में भी FIFO होना चाहिए. Inventory का मतलब होता है stock. Stock जो भी आप value करते हो, आपके पास जो माल पड़ा हुआ है उसका जो valuation आप करते हो, वो उसके लिए methods है अलग अलग. उसमें से अगर फर्स्ट ईयर में फीफो है तो सेकंड में भी फीफो, थर्ड में भी फीफो ही यूज करो ना भाई, तो कंपैरिजन भी होता रहेगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉफिट के कैलकुलेशन में. तो देखते हैं क्या है. जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल अपना क्रिकेट बैट्स का हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है. क्या है वो स्टॉक? तो जो पहला लॉट आया था क्रिकेट बैट्स का वो 1000 रुपए के हिसाब से आया था, 10 बैट का मैंने रख दिया लाके. दूसरा लॉट आया 15 क्रिकेट बैट्स का, सेकेंड लॉट में 1200 प्राइस हो गया था बैट का, तो हमने 1200 रुपए के हिसाब से बैट. अभी टोटल मेरे पास 25 क्रिकेट बैट्स है, जिसमें से 10 बैट पहले लॉट वाला है जो 1000 रुपए के हिसाब से आया था. दूसरा लॉट 15 बैट्स का है जो 1200 रुपए के हिसाब से आया था. अगर हमको सेल्स ऑर्डर मिला 20 क्रिकेट बैट का, 1500 के हिसाब से हम बेचने वाले उसको, बेचने का प्राइस है. अब मेरे को बताओ हमको कितना प्रॉफिट होगा? तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं. अगर मैं पहला वाला मेथड जो बोल रहा था फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले क्या जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट मतलब पहला लॉट, तो पहले लॉट का सारा बैट्स, ऑल 10 बैट्स ऑफ फर्स्ट लॉट, जो कितने के हिसाब से था? 1000 रुपए के हिसाब से था. 10 बैट आप निकाल रहे हो 20 क्रिकेट बैट्स का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, तो उसका आपका कॉस्ट हो जाता है 10,000 रुपया. अब सेकेंड लॉट से आपको कितना लेना पड़ेगा? बेचना है हमको 20 बैट. पहले लॉट में 10 बैट था, तो दूसरा लॉट भले 15 बैट का आया था, उसमें से हम कितना निकालेंगे? 10 बैट निकालेंगे. वेरी गुड. तो अब सेकेंड लॉट तो हमारा 1200 के हिसाब से आया था, अभी हम लोग उसमें से 10 ही बैट निकाल रहे, तो हमारा उसका कॉस्ट हो गया 12,000 रुपया. तो टोटल कॉस्ट ये 20 बैट का हमको लगेगा 10,000 + 12,000 विल कम टू 22,000, और हम बेच रहे हैं 1500 रुपए के हिसाब से, तो हमारा टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम कितना जनरेट होगा? 1500 एक बैट का मल्टी बैट 20 बैट बेच रहे, तो 30,000 रुपए हमारा रेवेन्यू हुआ. ऐसा करके अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं तो हमको FIFO मेथड से प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 हमारा रेवेन्यू, 22,000 हमारा एक्सपेंडिचर, तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया. वहीं अगर हम LIFO मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या? सेकेंड लॉट को पहले निकालो, यानी कि 15 बैट को पहले निकालो. सेकेंड लॉट का 15 बैट अगर निकालेंगे तो 15 बैट तो 1200 के हिसाब से आया था, तो 1200 × 15 = 18,000 वो कॉस्ट हो गया हमारा, जेब से हमारे गया उतना. अब फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट पहले निकाल दिया, 15 बैट पहले निकल गया, तो 20 बैट करने के लिए मुझे फर्स्ट लॉट से लास्ट वाला पहले चला गया ना, तो जो पहले आया था उसमें से कितना निकालना पड़ेगा बैट? ओनली 5 बैट्स मुझे निकालना पड़ेगा, जो मुझे आया था 1000 रुपए के हिसाब से, तो 1000 × 5 विल कम टू 5000. तो टोटल कॉस्ट मुझे कितना पड़ा? मुझे पड़ा 18,000 + 5,000 = 23,000. अब यहां पर मुझे कॉस्ट होगा 23,000, टोटल रेवेन्यू तो वही रहने वाला है 30,000. क्यों? 1500 बैट में 20 रुपए के हिसाब से बेचूंगा. मैं कोई भी लॉट पहले लू, मुझे बेचना तो 20 के हिसाब से ही है, तो रेवेन्यू मेरा 30,000 है. तो LIFO मेथड से मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 7,000, क्योंकि 30,000 - 23,000. तो FIFO मेथड से 8,000 का प्रॉफिट, बराबर LIFO मेथड से 7,000 का प्रॉफिट. प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया ना. बोलो मैं अकाउंट्स को कंपेयर कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा.
इसीलिए कहते हैं अगर पहले साल में फीफो है, दूसरे में भी फीफो करो, तीसरे में भी फीफो मेथड यूज करो, क्योंकि मेथड चेंज करने से प्रॉफिट का मार्जिन चेंज हो जाता है, उस वजह से अकाउंटिंग में गड़बड़, क्या गड़बड़, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे पिछले साल के अकाउंट्स को और ये साल के अकाउंट्स को। इसीलिए दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। होप यू हैव अंडरस्टूड बाय सच अ सिंपल एग्जांपल, मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूस, अक्रूस यानी व्हेन इट इज अर्नड, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्रू, अक्रू यानी वापस व्हेन दे बिकम पेएबल, फिर चाहे वो पेड हो चुके हो या ना हो, फिर चाहे वो रिसीव हो चुका हो या ना हो, व्हेन एवर इट इज रिलेटेड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी रिकॉर्डेड। ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेवेंट टू द अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड, आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट और दे आर पेड और नॉट। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट योर लोन इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अभी समझो हमने एक साल का इंटरेस्ट लग गया हमारे ऊपर, 6% इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो $100 के ऊपर 6% के हिसाब से एक साल का $6 इंटरेस्ट हुआ। नाउ वेदर वी पे दिस इंटरेस्ट और नॉट, ये इंटरेस्ट भरने का तो आ गया, भरने का आ गया इज कॉल्ड एज अक्रूड, तो वो अक्रूअल कंसेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया 6% पर एनम के हिसाब से, 1 अप्रैल 2019 के दिन हम लोगों ने वो लोन लिया। सो इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% फॉर फुल ईयर, मतलब 6,000 आएगा। बट अब हमने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ 4,000, कैलकुलेट करके हमने पे करना था 6,000, लेकिन हमने इंटरेस्ट पे किया है 4,000, तो रिकॉर्डिंग कितने का होगा, 6,000 का इंटरेस्ट का होगा कि 4,000 का, हमने तो 4,000 पे किया है, तो रिकॉर्डिंग विल बी डन फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ 6,000, वेदर वी हैव पेड और नॉट, it will be recorded as it relates to the current academic year. This is accrual concept. So hope you have understood these 5 concepts. So ye accrual concept bolta hai chahe pay hua ho ya na pay hua ho, chahe mil gaya ho ya na mila ho, current financial year se related hai to wo books of accounts mein record karna hai. So next concept is going concern concept. क्या बोलता है गोइंग कंसर्न, चलते रहना, क्या चलते रहना भाई, बिजनेस चलते रहना। दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर आल्सो। सिंपल सी बात है भाई, आप लोग अगर बिजनेस सेटअप करोगे, मैंने बिजनेस डाला तो जिस दिन मैं उसको सेटअप कर रहा हूं, आज मेरे बिजनेस का इनॉग्रेशन है, मैंने नया शॉप स्टार्ट किया, आज इनोग्रेशन है, आ जाओ भाई, सब आ जाओ, पार्टी है, सब लोग आए, बिठाया, माइक लिया, मैं ये बिजनेस सिर्फ 5 दिन के लिए करने वाला हूं, डोंट वरी, ऐसा कोई बोलता है क्या, पागल है क्या। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये नहीं सोचता कि ये दिन मैं खत्म कर दूंगा बिजनेस को, ना, वो हमेशा ये अजम्पशन से होता है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चले, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो बिजनेस अपना ऑपरेशन फ्यूचर में भी चलाएगा, लेकिन ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं ना सब एंट्रीज करते हैं, वो तो हर साल चेंज होते हैं। इसीलिए तो दिवाली के दिन हम गुजराती लोग क्या करते हैं, हम लक्ष्मी पूजन के साथ साथ चोपड़ा पूजन करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, श्री सवा ऐसा लिखते हैं, श्री सवा यानी हमको हमारे शास्त्र ने बोला है कि तुम प्रॉमिस करो भगवान को, क्या प्रॉमिस करो कि मेरे अगर बिजनेस में 1,00,000 रुपया डाला है या फिर 100 रुपया डाला है तो मैं 25 रुपए प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूंगा, 25% प्रॉफिट आई विल हैव, श्री सवा, सवा यानी 1.25 होता है, अभी बोला है, और कौन करता है, सब ये सोचते हैं अगर मैं एक रुपया डालूंगा 1,25 रुपए बिजनेस से निकालूंगा, उतना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, उतना मैं प्राइस रखूंगा। लेकिन अब तो क्या करते हैं सब, 1 रुपया डाल के 5 रुपया, 10, 50, 100, 500 भी मिलता रहेगा तो ले लेंगे, लेकिन जाने दो,
हमारा शास्त्र जो बोलता है वो सही बोलता है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हर साल क्लोज होते हैं, हम चोपड़ा पूजन करते हैं, दिवाली का नेक्स्ट डे हम हमेशा न्यू ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से नया बिजनेस का नया दिन है, तो वहां से अकॉर्डिंग अलग बुक में होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हर साल क्लोज होता है एवरी ईयर, बट द बिजनेस विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, अगले साल भी कंटिन्यू होने वाला है। तो ये साल के एंड में जो बच गया, जो भी गुड्स का स्टॉक पड़ा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये साल का, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो गोइंग कंसर्न बिजनेस, कंसर्न यानी बिजनेस गोइंग चलते रहेगा ये अज्यूम करता है। तो ये जो लास्ट के फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स हमने देखे है ना, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये तीन कंसेप्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये जो तीन है ना कंसेप्ट, इनको कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। बड़े बड़े टीचर्स को भी नहीं पता होता है, 15 साल से सिखा रहे। आई वेंट टू SN कॉलेज फॉर एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इंटरव्यू लेने के लिए मैं गया था, वहां टीचर्स को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं मालूम थे, उनको ये नहीं पता था AS2 में क्या आता है, AS9 में क्या आता है, दे आर टीचिंग सिंस लास्ट 10 इयर्स बट दे डोंट नो, होता है ऐसा। बट द ओनली थिंग इज समझ के लो बराबर से, मतलब क्या है लॉजिकली समझोगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। चलो आगे भी बढ़ते हैं, और भी कंसेप्ट है, जैसे कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट, ये क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म सेज दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। दिस इज बिकॉज इन अकाउंटिंग वी डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट वी हैव टू मेक ऑल प्रोविजंस फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेस इन फ्यूचर। देखो ये डायग्राम अच्छे से समझ लो कि अगर हमको फ्यूचर में किसी चीज से प्रॉफिट जनरेट होने वाला है तो अकाउंटिंग बोलते हैं मत लिखो उसको, चलेगा क्योंकि प्रॉफिट ही दिख रहा है ना, तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लॉस दिख रहा है तो उसका हम अभी से प्रोविजन बना ले। दिस कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग सेफ इज कॉल्ड एज प्रूडेंस, प्रूडेंस का कंसेप्ट हो गया है, बराबर है। व्हेन आई वेंट टू मिटीबाई कॉलेज फॉर इंटरव्यू, मुझे पूछा था प्रूडेंस क्या होता है, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में ये सब अलग अलग मटेरियलिटी ये वो प्रूडेंस वो सब आता है। तो प्रूडेंस कहता है, प्रूडेंस मतलब बीइंग वाइज, आप वाइज कब हो, जब आप लॉस के लिए प्रोविजन बनाते हो, प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड है तो जाने दो, मतलब मुझे अगर प्रॉफिट दिख रहा है ठीक है जाने दो, लेकिन अगर मुझे लॉस दिख रहा है तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा उसका। सर क्या बोल रहे हो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है अभी हमारे पास, उसका कॉस्ट है 50,000, मतलब उसको बनाने के लिए उसको उतना रेडी करने के लिए हमको 50,000 खर्चा हुआ, और आज वो अगर बेचने गए मार्केट में, स्टॉक क्यों है, क्योंकि वो नहीं बिका है, अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ए स्टॉक, नहीं बिका है, आज अगर बेचने गए तो वो 60,000 आएगा उसका, मतलब आपको क्या दिख रहा है, 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। बोलो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 50,000 से रिकॉर्ड करोगे कि 60,000 से रिकॉर्ड करोगे। अगर आप 60,000 से रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब आप प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे हो, बोले जाने दो ना प्रॉफिट रहने दो, अभी मैं 50,000 से रिकॉर्ड करूंगा उसको, द स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस विच इज 50,000, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं लोअर वैल्यू ले लूंगा यहाँ पर, मैंने प्रॉफिट दिख रहा था उसको कंसिडर नहीं किया यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि कॉस्ट इज 50,000, मुझे उसको बनाने की मतलब वो स्टॉक के पीछे मेरा 50,000 का खर्चा हुआ है, लेकिन आज मार्केट में बेचने गया बिका नहीं है इसलिए स्टॉक है, लेकिन बेचने गया तो 40,000 आएगा, इधर तो मुझे 10,000 का लॉस दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 40,000 से उसको वैल्यू करूंगा। मैंने क्या कर दिया, 50,000 उसके पीछे खर्चा हुआ था, तो एवरी एक्सपेंस उसके पीछे के एक्सपेंसेस उधर आ गए, मैंने उसको वैल्यू कितने से किया, 40,000 से, यानी मैंने 10,000 कम ले लिया, मतलब मैंने क्या किया, आई हैव एंटीसिपेटेड द लॉस, मैंने उस लॉस को उसका प्रोविजन बना लिया है, अभी से मैंने प्रॉफिट में से उतना कम कर दिया है 10,000 रुपए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है,
इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, मतलब इट मींस रेवेन्यूज यानी इनकम्स आर रिकॉर्डेड ओनली द सेल्स आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड. इट इज एज पर AS 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो रेवेन्यू को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उससे रिलेटेड है. क्या सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये कंसेप्ट कहता है फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझते उसको. अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीज इन May 2020. गुड्स ऑफ ओनली रुपीज 60,000 आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन June 2020. कैश इज रिसीव्ड फॉर 40,000 इन September एंड 20,000 इन November. द क्वेश्चन इज when will the revenue be recognized and recorded for what and for what amount. ye revenue aap kab recognize karoge, to seedhi seedhi baat hai, aap seedha bologe main 40,000 jo September mein mila hai tabhi record karunga, 20,000 jo November mein mila hai tabhi record karunga. absolutely wrong. ye revenue kab recognize hoga, ye question hai. matlab revenue is income, income recognize kab hoga, ye nahi bole income kab mil gaya hai, चाहे मिला हो या ना मिला हो, रिकॉग्नाइज कब होगा, जब उसको आपने डिलीवर कर दिया. क्यों? क्योंकि AS 9 ये बोलता है कि जब भी किसी भी गुड्स या सर्विस का रिस्क एंड रिटर्न दोनों एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे ट्रांसफर होता है तब उसको रिकॉर्ड करने का. समझो फॉर एग्जाम्पल, बराबर यहां पर देखो June 2020 में डिलीवर हो गया, तो हम June 2020 में उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहली बार रिकॉर्ड करेंगे. हाँ, 40,000 का एंट्री हम सितंबर में करेंगे, नवंबर में 20,000 का एंट्री तब करेंगे, बट फर्स्ट टाइम ये रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज हम जून में ही कर देंगे क्रेडिट सेल्स करके 60,000 का. एट व्हाट अमाउंट? तो 60,000. फिर 40,000 रिसीव्ड इन सितंबर एंड 20,000 रिसीव्ड इन नवंबर, दैट इज अनदर कांसेप्ट, बट पहली बार कभी आएगा. क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का एग्जांपल लेते हैं, या तो फिर मिस्टर ए अरविंद भाई, मिस्टर बी बाबू भाई. अरविंद भाई ने गुड्स, समझो ऑर्डर, अरविंद भाई को गुड्स का ऑर्डर मिला बाबू भाई से, 1 लाख का ऑर्डर मिला था, जाने दो वो सब. लेकिन द थिंग इज दैट, समझो 60,000 का गुड्स अरविंद भाई ने भेजा बाबू भाई को, भेज दिया, बिल भेजने का भूल गए. क्या भेजने का भूल गए? बिल उसको सेंड नहीं किया. अब क्या होगा? बिल अगर सेंड नहीं किया, उसके पास पहुंच गया, बिल सेंड नहीं हुआ मतलब उसने साइन नहीं किया बिल के ऊपर, और उसके वहां पर बाबू भाई के वहां पर वो गुड्स जल गए, आग लग गई. बोलो इज बाबू भाई यानी कि मिस्टर बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ दैट? समझो 60,000 का गुड्स मिला था, 60,000 रुपया बाबू भाई ने अरविंद भाई को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो द आंसर इज पे करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स इधर से उधर चला गया मतलब उसके ऊपर पीछे का रिस्क जल गया, तो रिस्क किसके ऊपर? बाबू भाई के ऊपर. चलो नहीं जला वो गुड्स, अभी तक बिल आया नहीं, अभी तक बाबू भाई ने उसका पेमेंट नहीं किया, लेकिन बाबू भाई ने वो गुड्स बेच दिया, वही गुड्स 80,000 में बेच दिया, 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया, रिटर्न वो भी बाबू भाई का होगा, क्योंकि गुड्स का पोजेशन पूरा चेंज हो गया वहां से. लेकिन अगर अरविंद भाई ने बाबू भाई को गुड्स भेजा ही नहीं था, हाँ बिल भेज दिया पहले, बाबू भाई ने बिल साइन करके भेज दिया कि आने वाला ये गुड्स करके भी दे दिया, चलो भैया अभी गुड्स मैंने रिसीव किया, भेज रहे हो ना, अब भेजने में टाइम लग गया, 2 दिन लग गया, उतने में अरविंद भाई के पास आग लग गया समझो, तो क्या बाबू भाई, इज बाबू भाई लायबल टू पे दैट अमाउंट? नो, क्योंकि गुड्स अरविंद भाई की कस्टडी में था, गुड्स उधर ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब उसका रिस्क और रिटर्न अरविंद भाई के पास से बाबू भाई के पास ट्रांसफर नहीं हुआ. इसीलिए कब रिकॉग्नाइज होगा? एक्चुअली जब गुड्स डिलीवर हो जाएगा, यानी कि गुड्स डिलीवर होना यानी क्या, उसका रिस्क और रिटर्न ये दोनों एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास गया, तब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर कंसेप्ट. डिस्क्लोजर कंसेप्ट और आगे का इतना ज्यादा कुछ है नहीं, डीप में आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि जितना भी मटीरियल यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए. डिस्क्लोज होना चाहिए यानी क्या, दिखना चाहिए अंदर, उसके अंदर. द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज. रिलेटेड पार्टीज यानी क्या? दिस इज एज पर AS 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसका नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज.
वो कहता है कि सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए रेलिवेंट पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज को. पीपल्स एकेडमी है, उसका अगर अकाउंटिंग करेंगे, अगर वो कंपनी है तो दिखाना पड़ेगा. तो किसको? रिलेटेड पार्टीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक जिसने हमको लोन दिया है, इन्वेस्टर जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो सही सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसमें. द फाइनेंशियल पोजिशन यानी कि बैलेंस शीट एंड परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्क्लोज वेरी ऑनेस्टली टू ऑल द यूजर्स, क्योंकि उनके बेसिस पर लोग और इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है निकाल लेना है, वो डिसीजन लेंगे वो लोग. तो फाइनेंशियल पोजिशन यानी कि बैलेंस शीट जिसमें होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका स्टेटस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस का, वो मालूम पड़ेगा. बराबर है? तो डिस्क्लोज सही सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए. सत्यम के केस की तरह नहीं, आपको पता ही होगा सत्यम कंप्यूटर्स करके कंपनी, उसने अपने अकाउंट्स में गलत गलत इंफॉर्मेशन डाला था. जो इन्वेस्टमेंट्स कुछ सालों, 5 साल पहले मैच्योर हो चुका था, उस इन्वेस्टमेंट का पैसा आ गया था कंपनी के पास, मतलब खत्म हो गया था वो इन्वेस्टमेंट, उसको भी गलत नकली जाली सर्टिफिकेट्स बना बना के उसको इन्वेस्टमेंट है ऐसा करके बताया था. इन्वेस्टमेंट है मतलब प्रॉपर्टी है, असेट ज्यादा दिखा के ज्यादा बता, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, उस ज्यादा वैल्यू करके बताया था ताकि लोग अपने पास और इन्वेस्ट करें. गया सत्यम कंप्यूटर्स, फिर बिक गया, तो गलत हो जाता है वो. तो ये AS1 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है सही सही इंफॉर्मेशन दो सब चीज का. नेक्स्ट कंसेप्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट, ना उधर मटेरियल इंफॉर्मेशन. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के डिसीजन को जो अफेक्ट करेगा ऐसा हर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए, वो है मटेरियलिटी कंसेप्ट. अगर वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, 2-5 हजार का ट्रांजेक्शन है और करोड़ों का ट्रांजेक्शन उधर है, तो 5-10 हजार का ट्रांजेक्शन निग्लिजिबल है, तो वो नेग्लिजिबल आइटम्स नहीं भी आया तो चलेगा, नहीं भी दिखाया तो चलेगा, लेकिन वो हर चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेटेड पार्टीज के डिसीजन लेने के लिए, हम इन्वेस्ट करें कि नहीं, हम इसके पास से खरीदी करें कि नहीं, हम इसको बेचें कि नहीं, वो सब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए. लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं दिखाएंगे, तो AS1 का जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो अफेक्ट होता है. एंड लास्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल मोबाइल ड्यूअल सिम आता है, ड्यूअल यानी दो एस्पेक्ट कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स, वन इज बेनिफिट रिसीव्ड एंड अदर इज बेनिफिट गिवन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने समझो 10,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा फॉर कैश, तो मेरे पास ये ट्रांजेक्शन हो गया, तो मेरे पास कुछ आ रहा है तो मेरे पास से कुछ जा रहा है. क्या आ रहा है? फर्नीचर कम से, तो ये हो गया हमारा बेनिफिट रिसीव्ड. मुझे कैश देना पड़ेगा, फुकट थोड़ी आएगा, कैश गोज आउट, यानी कि मैंने बेनिफिट दिया. सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, टू इफेक्ट्स. वन बेनिफिट रिसीव्ड के लिए इफेक्ट होगा, तो वन बेनिफिट गिवन के लिए इफेक्ट होगा. जैसे यहाँ पर देखो ड्यूअल एस्पेक्ट. आगे चल के आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जब देखोगे, एवरी डेबिट मतलब डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यूज हुआ है, जो कहता है एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद द सेम अमाउंट. मतलब यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 500 रुपए का डेबिट, तो 500 रुपए का क्रेडिट. 10,000 का फर्नीचर लिया तो मुझे 10,000 ही कैश देना पड़ेगा, तो 10,000 का फर्नीचर डेबिट, तो 10,000 का कैश क्रेडिट. एवरी डेबिट हैज अ पर्टिकुलर क्रेडिट. तो कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने देखे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, अकाउंटिंग बिजनेस का होना चाहिए बिजनेसमैन का नहीं. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी वैल्यू रहेगा तो ही रिकॉर्ड होगा. कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कितने का है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में हमने लिया वो इंपॉर्टेंट है, परचेस प्राइस. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, फीफो फिर लिफो मत कर दो. अक्रूअल कंसेप्ट, चाहे वो पे हुआ हो या ना हुआ हो, मिल गया हो या ना मिला हो, करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो अकाउंटिंग में आना चाहिए. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चलते रहता है बिजनेस, इसीलिए ये साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यानी कि प्रूडेंस कंसेप्ट, क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? रिस्क एंड रिटर्न जब ट्रांसफर हो जाएगा तब उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो.
डिस्क्लोजर कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, वही चीज मटेरियलिटी में कहा है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इट इज द बैकबोन, इट इज द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट। आगे क्या है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको खाली ओवरव्यू करना है आपको, ज्यादा कुछ डिटेल में डीप में नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय कस्टम्स, हो सकता है सालों से चलते आ रहा है लॉ, कायदे ने कुछ बताया, या प्रोफेशनल बॉडीज लाइक ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स एंड अकाउंट्स जनरली। बराबर है, जो पब्लिक अकाउंट मतलब वो रिलायंस है, टाटा है, उन लोग को पब्लिकली बताना पड़ता है अकाउंट्स, अपना अकाउंट्स दिखाना पड़ता है, या पीपल्स एकेडमी को सबको नहीं बताना पड़ता है, फिर भी हमारे लिए भी ये जरूरी है कि अकाउंटिंग कैसे करना है। मैंने अभी बोला ना AS 9 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता है, जब रिस्क एंड रिटर्न इधर से उधर ट्रांसफर होगा तब उसको रिकॉग्नाइज करो। तो कैसे करना है ना अकाउंटिंग, उसका तरीका ये बताता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो ICAI ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाया, इट कॉन्स्टिट्यूटेड ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑन 21 अप्रैल 1977 को बनाया। ये क्या करता है, ये ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछता है किस किस बारे में आपको चाहिए बताओ, तो वो क्या करता है, वो जनरेट करता है, फिर इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर वो फाइनलाइज होके मार्केट में बताते कि तुमको ये चीज के लिए ये फॉलो करना है, ये चीज के लिए ये फॉलो करना है। क्या क्या क्या, तो कोड ऑफ कंडक्ट। अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन है तो क्या करना है, फिक्स असेट का अकाउंटिंग है उसके इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग है उसके लिए क्या है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है। इस रूल्स को फॉलो करके आपको उसको रिकॉर्ड करना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बनाए इंडिया के बिजनेसेस के हिसाब से, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग फॉरेन में जाके भी, हमारे कितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होते हैं कितने सारे बिजनेसेस के, तो उनको फॉलो करना पड़ता है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वैसे इंटरनेशनली एक्लेम्ड मतलब इंटरनेशनली फॉलोड IFRS होता है, और इसको ही कॉपी पेस्ट करके हमने बनाया IND AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट, डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, क्या क्या रिकमेंड किए है ICAI ने, तो देखो ये 16 यहां पर है और 16 यहां पर, टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने दिए थे, जिसमें से कुछ अभी एबोलिश हो गए, निकल गए पूरी तरह से। देखो क्या निकल गए, तो ये जो दिख रहा है ना आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में, तो जब बना था तब बनाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर 2016 में कुछ अमेंडमेंट आया उसमें, मतलब नई चीजें उसमें ऐड की, कुछ जूनी में से कुछ निकाल दिया। फिर उसके बाद बाकी जो अमेंडेड है वो मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली याद रखना है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में है। बराबर है, फिर AS 6 वो विड्रॉ किया गया है, अभी 2013 का जो नया कंपनीज एक्ट आया तो 2016 में जो अमेंड किया उसमें AS 6 हटा दिया, वो AS 10 में मर्ज कर दिया। बराबर है, फिर ये 17-32 है उसमें ये दो अमेंड किए गए हैं। बराबर है, इसमें कुछ अबोलिश इधर से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद, याद मतलब क्या, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है वही याद रखना है आपको। AS 1 इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो मैंने आपको पहले बताया। AS 2 is about inventory valuation, valuation of inventory, stock valuation. मतलब कौन सी चीजों को stock में लेना है, फिर कौन से methods है, LIFO, FIFO, weighted average, LIFO निकाल दिया गया है, वो AS 2016 में जो amendment आया वो उसमें LIFO निकाल दिया। Whatever it is, तो stock का कैसे valuation करना है, क्या क्या चीजें उसमें included है, क्या क्या included नहीं है, वो सब उसमें दिया है। AS 3 is about cash flow statement, तो cash flow statement का क्या format होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो सब कुछ उसमें है, उसका पूरा फॉर्मेट, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग इज देयर। AS 6 इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लेकिन अब वो नहीं रहा, वो मर्ज हो गया AS 10 में, फिर भी आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों आपकी टेक्स्ट बुक में अभी भी दिया है। AS 8 इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में R&D डिपार्टमेंट होता है, उस बारे में कौन सी चीजों के, कौन से एक्सपेंडिचर्स को R&D में लेंगे, कौन से को नहीं लेंगे, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, वो सब कुछ। AS 9 इज अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा,
AS10 is all about accounting for fixed assets. आपके टेक्सटबुक में ये दिया है, but actually उसका नाम हो गया PPE, property, plant and equipment, जिसमें depreciation accounting merge हो गया अभी. AS12 is all about accounting for government grants. बोलते हैं ना हम लोग कॉलेज में एडेड में एडमिशन, अनएडेड में, अनएडेड का फीस ज्यादा रहता है, एडेड का फीस कम रहता है. तो एडेड मतलब क्या, जिसके लिए कॉलेज इसको गवर्नमेंट ग्रांट्स देता है. तो ग्रांट्स अगर हमको मिल रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है. AS13 इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. AS22 है आपके सिलेबस में, इट इज ऑल अबाउट टैक्स ऑन इनकम, कौन से सोर्सेज से आपको टैक्स इनकम जनरेट हो रहा है, उस पर टैक्स कैसे कितना पे करना है. ये आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, क्योंकि ये आपको एस का नंबर और नाम याद रखना है, दैट्स इट. तो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब इनके बारे में आपको कैसे अकाउंटिंग करना है, क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन देयर. सो होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर ऑल्सो. अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैंने इजी से इजी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है. तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज डॉक्टर कल्पेश परमार. यूपीएस अकेडमी ऐसे और वीडियोस डालते रहेगा. दिस इज माय 27th वीडियो आई थिंक. तो ऐसे और वीडियोस डालते रहूंगा. हम हाफ सेंचुरी भी मारेंगे, सेंचुरी भी मारेंगे, बट सब्सक्राइबर्स में वी हैव रीच्ड टू अराउंड 370. वी वांट टू रीच एट 500 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल. सो थैंक यू ऑल. इसके पहले के 11th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ. डोंट वरी. थैंक यू ऑल टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. थैंक यू.